मॉर्निंग, चले? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही प्यारी मॉर्निंग हो चुकी है, 5:30 का टाइम है। उदय को मैंने उठा दिया, हम लोग जा रहे हैं जॉगिंग करने। यहाँ पे स्टफी को आप देख सकते हैं, वो कितना एक्साइटेड है। क्या कर रहा है? क्या है बेटा? क्या हुआ? कौन है? कौन है? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों सुबह सुबह अपनी एनर्जी बर्न कर रहा है? गंदू। हम सभी को अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है, और चेंज के लिए मैंने और उदय ने जॉगिंग स्टार्ट की है। आजकल सभी स्पोर्ट्स एकेडमीज के बंद होने की वजह से उदय अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लेकर थोड़ा टेंस्ड था, और उसे लग रहा था कि उसका स्टेमिना ड्रॉप हो रहा है। तो उसी ने मुझे कहा था कि मम्मा, अगर आप मुझे कंपनी दो तो हम दोनों जॉगिंग पे जा सकते हैं। तो लास्ट वीक से हम दोनों ने जॉगिंग स्टार्ट की है। एक लॉन्ग राउंड लगाने के बाद हम लोग घर आके कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और काफ़ी अच्छा फील होता है जब कोई वर्कआउट पार्टनर आपको मिल जाए, और वो पार्टनर अगर आपका खुद का बच्चा हो तो बात ही क्या। आज है मंडे, बहुत ही सिंपल सी लंच रूटीन है। आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रायता और साथ में चपातियाँ बना रही हूँ। आलू मैंने बॉईल कर दिए हैं, और बॉईल करने के बाद जो पानी बच जाता है इसे फेंकती नहीं हूँ, इसे प्लांट्स को देती हूँ, क्योंकि जितना भी वेस्ट आपकी किचन से निकलता है वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। तो साथ में आप देख सकते हैं मम्मा, माई हेल्पिंग हैंड। कल संडे था तो ब्रंच में मैंने सांबर डोसा बनाया था, और हस्बैंड कह रहे थे कि उनका मन था कि वो पनीर का पराठा खाएं, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ पनीर के पराठे भी मैं अभी बनाऊंगी और चपातियाँ भी, तो जिसका जो मन करेगा वो खा सकता है। तो सब्जी को तड़का लगाने से पहले थोड़ा सा ऑयल मैंने बर्तन में लिया, और पहले मैं सॉटे कर रही हूँ शिमला मिर्च, क्योंकि इस तरह से जब हम सब्जी को थोड़ा सॉटे कर लेते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो आलू तो पहले से ही बॉयल करके रख लिए हैं, जब शिमला मिर्च को भी इस तरह से 3-4 मिनट में सॉटे कर लूँगी तो सब्जी को बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और बस अब उसी बर्तन में बहुत नॉर्मल सा तड़का, जैसे हम सब्जी को लगाते हैं सेम वैसे ही, थोड़ी सी दालचीनी डाली है, साथ ही डाले हैं कुछ मेथी सीड्स, जीरा डाला है थोड़ा सा, साथ ही प्याज डाल दिया है बारीक कटा हुआ। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे, और जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक पनीर क्रश कर लेती हूँ, जैसे मैंने बताया कि पनीर के परांठे भी बनाऊंगी साथ में। ऑलमोस्ट हर इंडियन सब्जी और दाल को बनाने का तरीका लगभग सेम ही होता है, हाँ कुछ ग्रेवी आइटम्स या स्पेशल रेसिपीज डिफरेंट वे से जरूर बनती हैं, बट देखा जाए तो इंडियन कुकिंग सबसे इजी कुकिंग है, और अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके हम इनमें बहुत सी वेरिएशंस भी ला सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने प्याज ब्राउन होने के बाद उसमें गार्लिक पेस्ट डाला, और उसके बाद डाल दिए उसमें कटे हुए टमाटर, और मम्मा के साथ बातें करते करते भूल गई कैमरा ऑन करना, और सारे पाउडर मसालास भी कैमरा ऑफ में ही डाल दिए। इसी को कहते हैं उम्र का तकाजा। एनीवे, तो पाउडर मसालास में मैंने सॉल्ट डाला है, टर्मरिक पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए आलू, और मसालों के साथ इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। बस साथ ही में डाल देंगे कैप्सिकम, हमने पहले से सॉटे कर ली है ये अच्छे से। तो ये दोनों ही सब्जियां पकी हुई हैं, तो बस इनको 3-4 मिनट हमने लो फ्लेम पे और पकाना है, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएं, बस उतने में ही हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। और लीजिए मिलिए ब्रूनो से, काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि आजकल ब्रूनो नज़र नहीं आता। यही होता है, ब्रूनो रात भर बाहर रहता है और धूप निकलते ही घर में आ जाता है। तो बस सब्जी मेरी बन गई है, इसे उतार के मैं साइड रख लूँगी। इससे पहले मैं अपना दूसरा काम शुरू करती तो जो कंपोस्ट और सॉयल मैंने मंगवाई थी वो भी आ गई। कई बार आप लोग पूछते हैं कि हम लोग कौन सी कंपोस्ट यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के लिए, तो एक तो गोबर की खाद होती है और दूसरी होती है वर्मी कंपोस्ट। तो गोबर की खाद के साथ साथ मैंने कुछ वर्मी कंपोस्ट भी मंगवाई है। वर्मी कंपोस्ट वो खाद होती है जो केंचुए बनाते हैं, और ये दोनों ही खाद प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होती हैं। और ये सब चीज़ें हम लोग ऑनलाइन बाय नहीं करते हैं, इसके लिए मैं अपने माली को ही कॉल करती हूँ। तो जैसे मैंने उसको कॉल किया था और उसी ने ये सारा सामान भिजवाया था, और साथ के साथ माली भी पहुँच गया गार्डन की सफाई और घास काटने के लिए। कुछ बड़े प्लांटर्स ऑलरेडी गार्डन में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ छोटे प्लांटर्स मेरे को चाहिए थे बालकनी गार्डन बनाने के लिए, तो उसके लिए कल मैं कुछ प्लांटर शॉपिंग के लिए भी गई थी।
घर में एक बहुत अच्छा सा गार्डन है, इसलिए बालकनी गार्डन बनाने का कभी आइडिया मन में आया ही नहीं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि बालकनी में भी एक गार्डन बनाया जाए। और इसीलिए प्लांटर्स बाय करने के साथ साथ प्लांट्स देखने के लिए हम लोग नर्सरी भी गए थे। जितने ज़्यादा प्लांट आपके घर में होते हैं उतना ही नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्शन आपको फील होता है, लेकिन ये ग्रीनरी तभी बनी रहती है जब डेली थोड़ा टाइम आप इनको मेंटेन करने के लिए निकालें। सीजन के अकॉर्डिंगली कुछ सीड्स मैंने स्प्राउट होने के लिए रख दिए थे, देखिए इनमें से कुछ स्प्राउट हो चुके हैं लेकिन कुछ अभी बाकी हैं। हर स्प्राउट कर देने के बाद जब हम मिट्टी में इनको लगाते हैं तो ये जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और ये सारे ही सीड्स वेजिटेबल्स के हैं, भिंडी, करेला, खीरा या फिर कुछ बीन्स हैं। अपने घर में वेजिटेबल्स को ग्रो करने का मतलब होता है कि आप बिना पेस्टिसाइड के वेजिटेबल्स खा रहे हैं। और कुछ सीड्स मैंने यहाँ पे स्प्राउट होने के लिए मिट्टी में लगाए हैं, इसके लिए डिटर्जेंट के वेस्ट स्पून और आइस ट्रे का यूज़ किया है। गर्मी इस वक्त पीक पे है और ये वेदर इन एनिमल्स को बहुत परेशान करता है, और प्लीज़ जितना आप इस टाइम कर सकें एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए पानी का इंतज़ाम ज़रूर रखें। स्टफ़ी सुबह 4 बजे ही रूम से निकल जाता है, उसके बाद 3-4 घंटे छत पे ही रहता है और वहीं पे भाग दौड़ करके अपना शौक पूरा करता है। और जब उसे नीचे लेके जाने का टाइम होता है तो पहले मैं उसकी ब्रशिंग करती हूँ। और जितना डॉग्स के लिए खाना इंपॉर्टेंट है उतनी ही डेली उनकी ब्रशिंग होना भी इंपॉर्टेंट है। आई नो काफ़ी लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो उसका एक बड़ा रीज़न यही होता है कि डेली हम इनकी हेयर ब्रशिंग नहीं करते हैं। अगर आप डेली करें तो आपको ये प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। मैं डेली स्टफ़ी की ब्रशिंग करती हूँ, चाहे उसे ये करवाना उतना पसंद भी नहीं क्योंकि ब्रश थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन क्योंकि इसका काम बहुत अच्छा है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। और भाग के स्टफ़ी को सीधा ब्रूनो के पास जाना है उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन ब्रूनो आजकल उसके साथ उतना खेलता भी नहीं है, शायद गर्मी की वजह से। और ब्रूनो ऑलरेडी जैस्मिन से प्यार ले रहा था और माली का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, और स्टफ़ी ने जाके उसे परेशान करना शुरू किया और जैस्मिन से डांट खाई। चलो उधर चलो चीजी खाएंगे। और मैं यहाँ पे फिलिंग रेडी कर रही हूँ पनीर का परांठा बनाने के लिए, हस्बैंड भी गोडाउन से आने ही वाले हैं। पनीर तो मैंने ऑलरेडी क्रश कर दिया था, उसके बाद उसमें मैंने अजवाइन डाली है, जीरा डाला है, प्याज डाला है कटा हुआ, नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। हरा धनिया आज मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। साथ ही मैंने रेडी कर दिया है बूंदी का रायता, तो बस अब परांठे और चपाती बनाना बाकी है। पता तो है, बोल पर मैं चूजी लोगों के पास जाता हूँ। जब तक कुलदीप जी कपड़े चेंज करके आ रहे हैं तब तक बना रही हूँ मैं मैंगो चॉकलेट शेक। और मैंगोज डाले हैं सबसे पहले, और एक बड़ा चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे पीनट बटर का, 2 चम्मच डाले हैं कोको पाउडर और डाल दिया है थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर। दूध डाल के बस मिक्स कर लेंगे और हो जाएगा मैंगो चॉकलेट शेक रेडी। खाना खाने से आधा घंटा पहले सब लोग शेक ले लेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं और जैस्मिन 12 बजे अपना फर्स्ट मील लेते हैं, तो अभी 11 तो बज चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी आज सबका ही खाना लेट हो गया है। पापा का ब्रेकफास्ट भी आज 11 बजे ही हो रहा है क्योंकि आज बाहर माली को काम समझाने और काम करवाने में काफ़ी सारा टाइम चला गया। बस अभी सबसे पहले मैं परांठे बना रही हूँ और उसके बाद चपातियाँ बनाऊँगी, क्योंकि मैं और जैस्मिन परांठा नहीं खाएँगे, सब्जी के साथ चपाती ही खाएँगे। खाना वाना खा के सब लोग फ्री हुए तो उसके बाद मम्मा को शीरा भिगोना था। आज शाम को हम टी टाइम में स्नैक्स के लिए शीरा बना रहे हैं। आप में से बहुत व्यूवर्स की रिक्वेस्ट भी थी कि मैं शीरा की रेसिपी शेयर करूं। हम तो शीरा हमेशा गांव से ही लेके आते हैं, यहां से कभी बाय नहीं किया, पर आप डिपार्टमेंटल स्टोर से पता कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्पेशली गर्मियों में ये बहुत ही ठंडक देता है। और इसे आधे एक घंटे के लिए उतने ही पानी में भिगोना है जितने में ये डूब जाए, इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन घी इसमें बहुत सा जाता है। तो हमारा शीरा शाम तक भीगा रहा, उसके बाद शाम को मम्मा ने बनाना शुरू किया। बर्तन में 2 सर्विंग स्पून देसी घी के डाले हैं मम्मा ने, और उसके बाद शीरा में चीनी डाल दी है, जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जितना मीठा आप खाना चाहते हैं उतनी चीनी उसमें डाल के उसको हाथों के साथ ही अच्छे से मसल के मिक्स कर लेना है। उसके बाद डायरेक्ट इसे बर्तन में डाल देना है और धीरे धीरे चलाते जाना है। फ्लेम पहले आप मीडियम रखें और जब ये बर्तन के साथ चिपकने लगे तब आप फ्लेम लो कर सकते हैं।
शीरा हमेशा मैं अपनी मदर्स के हाथ का ही खाती हूँ, मैंने खुद कभी शीरा नहीं बनाया। यहाँ पे भी मम्मा बनाते हैं और मायके में भी मम्मा ही बनाते हैं। जिन व्यूअर्स ने शीरा की रेसिपी की डिमांड की है उन्होंने शायद वो हिमाचल वाला व्लॉग ही देखा था जिसमें मेरे मम्मा शीरा बना रहे थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये बर्तन के साथ चिपकना शुरू हो गया और ये इसी प्रोसेस से कुक होता है। आप इस तरह से इसको छुड़ाते जाएं और पकाते जाएं, आपके देखते ही देखते ये इस तरह से इकट्ठा होता जाएगा और 8 से 10 मिनट में शीरा रेडी हो जाएगा। पहले मुझे लगता था कि ये हिमाचल की ही कोई स्पेशल रेसिपी है, लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि पंजाब में भी ये खाई जाती है। तो अगर आप लोग भी कभी शीरा बनाते हैं या खाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नॉर्मली तो हम इसे नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ गर्मियों में 2-3 बार ये ज़रूर बन जाता है। मैं मम्मा से पूछ रही थी कि क्या इसमें घी थोड़ा कम नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें अच्छा खासा घी जाता है तभी ये अच्छे से पकता है, नहीं तो कच्चा रह जाता है। और बस अब शीरा भी रेडी हो गया है और चाय भी, और पापा बाहर पौधों को पानी दे रहे हैं और यहाँ पे मम्मा शीरा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ठंडा शीरा ही खाने में अच्छा लगता है। गर्म शीरा खाएंगे तो वो मुँह में चिपकता है। बड़े पापा चाय पी लो। हाँ मैं थोड़ा सा खाना है, बिल्कुल थोड़ा बस, ये अभी भी ज्यादा है, तो मैं डालना खा के देखो, तो बहुत टेस्टी है। घी इसमें काफी होता है, बढ़ता सीर में ठंडा होता है। संजय को बोला था इसीलिए। हाँ, मैं पता क्या है, प्रॉपर 2 दिन दूध लगाता हूँ। आप अगली बार पहले दूध लगाए ना, ऐसे उठ लीजिए, कोई स्मेल नहीं है। देख लो फ्रेगनेंस, देखो इसमें फ्रेगनेंस आ रही है। तो मेरे ब्लैंकेट्स भी आ गए हैं ड्राई क्लीन होके। आप सोचेंगे इतना लेट कैसे, क्योंकि इस बार काफ़ी काम लेट हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, मैं ड्राई क्लीन करने के लिए नहीं दे पाई थी। अभी लास्ट वीक ही मैंने दिए थे तो बहुत अच्छे से एक हफ्ते में ड्राई क्लीन हो गए, वापस आ गए। और ब्रूनो भी बहुत टाइमली अंदर आया है क्योंकि वेटरिनेरियन आने वाले हैं। स्टफी और ब्रूनो दोनों को टिक्स एंड फ्लीज का इंजेक्शन लगने वाला है। ये क्या है, लड़ाई हुई है दोनों की, अलग अलग क्यों बैठे हो? शफू, ब्रूनो, तुम दोनों खेली खेली नहीं कर रहे हो दूसरे के साथ? नो, खेली 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 नहीं करनी आपने ब्रूनो के साथ? ये तो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, कभी भी एक तो बहुत शरीफ है लेकिन दूसरा बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, वो काट भी सकता है, इसीलिए उसे हमें मज़ल पहनानी पड़ती है। टिक्स एंड फ्लीज के इस सीज़न में अगर इंजेक्शंस टाइमली लगते रहें तो प्रॉब्लम से भी इनको सेफ रखा जा सकता है, क्योंकि अगर डॉग्स में एक बार टिक्स और फ्लीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो ये रिकवर करने में बहुत लंबा टाइम ले जाती है और इससे डॉग्स की हेल्थ भी खराब होती है। आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं, आ रहे हैं, चलो चलो चले चलो। टप्पू कहाँ जाना है? अगर मैं कहूँ नहीं जाना तो, अगर मैं मना कर दूँ नहीं जाना तो? घूमने जाने के नाम पे स्टफी सबसे आगे, और वो वॉक करने नहीं रनिंग करने जाता है, और वापस आने के बाद उसकी कंडीशन ये होती है। आप देख अपनी कंडीशन क्या है, शायद तेरे से चला नहीं जाता, तेज तेज स्पीड में भाग के जाएगा फिर बुरी तरह से हाँफेगा। और यही रीज़न है कि कैमरा हम साथ में लेके जा नहीं पाते। उसे वॉक पे लेके जाने से पहले मैं खाना बना के जाती हूँ और वॉक से आने के आधे घंटे के बाद में उसे खाना दे देती हूँ। What you doing? बच्चों का खाना रेडी है, खाने की वेट कर रहे हैं। और यहाँ स्टफी अंदर से देखता है कि उसे बाहर नहीं ले जाया गया, क्योंकि ये टाइम ब्रूनो को और बाहर 2 फीमेल डॉग और हैं उनको खाना देने का होता है, और स्टफी को अपने साथ बाहर लेके जाना इज़ वेरी रिस्की। ब्रूनो को खाना हम गेट के अंदर ही देते हैं क्योंकि वो दूसरे डॉग्स को फिर खाना खाने नहीं देता। खाना खाने देना तो बहुत दूर की बात है, वो यहाँ आसपास दूसरे डॉग्स को बैठने तक नहीं देता, इवन कि वो स्टफी के पास भी किसी और दूसरे डॉग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिनों से 2 फीमेल डॉग्स ने यहाँ पे आना शुरू किया है जो कि देखने में काफ़ी वीक हैं, इसीलिए उनको खाना देने से पहले ब्रूनो को गेट के अंदर करना पड़ता है ताकि बिना डरे वो आराम से खाना खा सकें।
हमारा भी डिनर वगैरह सब ओके हो चुका है, तो अब मुझे किचन क्लीन करनी है। लेकिन किचन क्लीन करने से पहले मैंने देखा कि मेरा क्लीनर ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो चलिए बनाते हैं मेरा फेवरेट किचन क्लीनर। एक कप लिया है पानी और हाफ कप लिया है व्हाइट विनेगर। एक छोटा चम्मच डाला है इसमें बेकिंग सोडा और साथ ही डाल देंगे एक चम्मच डिश वॉश सोप। इसे बनाने के लिए थोड़ा बड़ा ही बर्तन लें, क्योंकि बेकिंग सोडा और वाइट विनेगर रिएक्ट करते हैं और अगर आपका बर्तन छोटा होगा तो फोम बाहर भी आ सकती है। इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा वेट करें जब तक ये फोम बिल्कुल नीचे ना बैठ जाए, और उसके बाद इसको आप स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं। ये क्लीनर इतना अमेजिंगली काम करता है कि आपके काउंटर टॉप पर किसी भी तरह की कोई भी चिकनाई हो उसे एकदम से साफ कर देता है। मैं 3 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ, और जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तब से मैंने एक बार भी कभी सोप स्क्रबर या ब्रश का यूज़ अपने काउंटर टॉप पर नहीं किया। स्प्रे करते ही वेट क्लॉथ के साथ आप इमीडिएटली इसको साफ कर लें, और एक बार क्लीन कर लेने के बाद दोबारा डस्टर को पानी से वॉश करें और एक बार फिर से काउंटर टॉप को क्लीन करें। और इसी क्लीनर के साथ आप अपने गैस स्टोव और वॉल टाइल्स को भी क्लीन कर सकते हैं। और इस दिन के एंड के साथ एंड कर रही हूँ इस ब्लॉग का भी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।